सो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से आप लोगों के सामने आ गई हैं और अभी मैं नमकीन सेवई बना रही हूँ। हस्बैंड को अचानक मतलब फ़ोन आ गया था, उसको अभी जाना है और मेरा आँख नहीं खोल पा रही थी, पूरा पानी आ रहा था और पूरा फूल गया था पूरा मेरे फेस के साथ। आज मेरा जो हाल हुआ है मैं ही जानती हूँ। वो कहता है ना, कभी भी कुछ भी काम आसान नहीं होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो भी लोग बोले जैसा बोले, ऐसा नहीं होता है कि जो जॉब करता है वही सिर्फ काम करता है, दूसरे लोग भी थोड़ा बहुत काम करता है। हमें भी पूरा दिन लगे रहना पड़ता है घर का काम, बच्चे, मतलब जो हाउस वाइफ की बात हो रही हूँ वही बोल रही हूँ मैं। ज़्यादा मतलब आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शायद ज़्यादातर लोग हाउस वाइफ ही है, मतलब जो भी मतलब जो ब्लॉग वगैरह करे या ये सब देखे, तो वही एक होता है स्ट्रगल, करना पड़ता है पूरा दिन का काम, करो ये करो वो करो। उसके बाद जो हम लोग अभी यूट्यूब में, जो हम लोग यूट्यूब जर्नी भी आसान नहीं है, शायद जो जो यूट्यूब जर्नी में ज्वाइन हुआ है वो उनको ही पता होता है। हर एक मतलब होता है लाइफ में कभी कभी हर एक दिन ऐसा लगता है कि आज के लिए बहुत हो गया, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, फिर मतलब उसी प्रक्षा से मतलब दुगनी नजर काम करने की होता है। डेली डेली हम लोगों को करना पड़ता है। वही थोड़ा बहुत कोशिश, क्योंकि अभी हम लोग हाउस वाइफ है कहीं जा नहीं सकते ज़्यादा उस तरीके से, मतलब ब्लॉगिंग नहीं कर सकते शायद, तो अभी हम लोग करते हैं मतलब टीनेजर वगैरह करता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग लीजिए सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। अभी 2 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है और हर्षिता को खाना देती हूँ, लेट हो गए हैं, लेट डेली होती हूँ, तो मेरा सब्जी तो कल का ही है और अभी खीरा काट लूँगी। और हर्षिता के लिए खिचड़ी बनाया है, उसमें अंडा दिए हैं बॉयल अंडा गर्मा गर्म, चावल मैंने भी गर्मा गर्म ही बनाया लेकिन सब्जी कल का था, तो खाना खा लेते हैं जल्दी जल्दी। चलो देखते रहिए बिना स्किप किए, क्योंकि हमें बैक टू बैक घर का काम करना पड़ता है, यूट्यूब रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब को ऐसे ही छोड़ दोगी तो यूट्यूब भी आपको छोड़ देगा। यूट्यूब में लगे रहना पड़ता है, फिर बाकी का घर का काम और ऊपर से बच्चा एक करती हूँ दूसरा काम बढ़ा देता है, फिर दूसरे का ब्लॉग भी देखना पड़ता है, कमेंट भी देना पड़ता है, उसी बीच काम इधर उधर भागते दौड़ते पता नहीं चलता है कौन सा काम करो कौन सा नहीं, एक काम करो तो दूसरा काम छूट जा ही जाता ही है, और ऊपर से दिन में ये सब काम करती हूँ ना, फिर भी मतलब बच्चा रहता है आपको पता ही होता है, जितना भी आप काम करो ख़त्म नहीं होता है, बढ़ा के रख ही देंगे। इधर आत के इधर भाग दौड़ करो तो उधर ऐसा होता है प्रॉपर ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं पड़ता है, बट क्या करें, हमें तो डेली इस लड़ाई से हार थोड़ी मान सकते हैं, अगर अभी हार मानोगे तो लोग लूजर ही बोलेंगे, बिना हार माने थके दूसरी मतलब एनर्जी के साथ और भी एक्स्ट्रा करके कुछ ना कुछ हमें डेली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। आप लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे पता नहीं, अभी हम लोग हाउसवाइफ बाहर जाके क्या डेली डेली का ब्लॉगिंग करें, सो जो कुछ लोगों के पास प्लस पॉइंट होता है जो बाहर वगैरह अच्छा ज़्यादातर जा सकते हैं, बट इधर क्या हम लोग तो हस्बैंड के बिना कहीं जा भी नहीं सकते और उनको तो टाइम ही नहीं मिलता है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं आप लोगों के लिए बाहर का ब्लॉग लाने की कोशिश तो ज़रूर करूँगी, बहुत दिन हो गया आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा मैंने किया ही नहीं है। और इधर अभी मैं क्लीन तो किए हूँ लेकिन थोड़ी देर में फिर से हो जाएगा तो सब चलते रहेंगे, और आज हस्बैंड आते आते थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, ज़्यादा ही फ़ोन करके दिया था और घर में ना सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। फिर हर्षिता को दूध वूध पिलाऊँगी, अभी दूध पिला के उसको बाहर भी थोड़ा सा लेके जाना पड़ेगा, तो चलो उसको लेके चलती हूँ, दूध पीते ही वो रेडी हो गया है। अभी थक तो गई हूँ पूरी तरीके से लेकिन जाना तो पड़ेगा, भाई बच्चा को खेलना है, ये भी जरूरी है कि उन बच्चे को भी थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए, बच्चा मतलब घर के अंदर ही आपके हिसाब से रहने थोड़ी बच्चा रहेंगे।
तो मेरी बेटी ना आजकल बहुत कुछ काम अपने अपने आप करता है, तो उसमें से एक है कपड़ा पहनना, मतलब उसको अपने आप कपड़ा पहनना होता है, प्लस ये शू पहनना उसको आता है, खोलना भी आता है, सॉक्स पहनना भी आता है इसको, पैंट भी पहनना होता है, बस कुछ मतलब जो डिफिकल्ट वाला पार्ट होता है, मतलब स्वेटर वगैरह टी शर्ट वगैरह ये सब नहीं होता नहीं था। ठंड है, ज़्यादा पसीना नहीं आता है, कहाँ पहुँचना, मैं जाके खुद बैठी थी तो फिर, और हर्षिता के पापा का फ़ोन किया था आ रहा है, लेकिन 2 घंटा तक लगेगा, अभी 8-9 बजे तक आएंगे, बोल रहा था सब्जी वगैरह कुछ लेके आएंगे, घर में कुछ नहीं है, क्या बनाऊँ। तो और मैडम तो रेडी हो चुका है, दूध पीते ही वो शुरू हो जाता है, बाहर जाना है तो उसको लेके थोड़ा सा चलती हूँ, देखते क्या से क्या होता है, लाइफ का बैंड बच चुका है मेरा। सो हम लोग बहुत एक छोट साइड वाले पार्ट से इधर आए थे, फिर उधर से टूर जब दुकान में गए थे ना, दुकान मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, बिना पैसे के मैं दुकान में गई चॉकलेट और उसके लिए लॉलीपॉप लेके आई, कितना शर्मदायक है। मैं बोली कि हस्बैंड पैसा नहीं लेके गई थी, ये लड़की ना ये समझता थोड़ी है, चलो वो अच्छा है कि वो बोला भाई पहचानते हैं क्योंकि डेली हमें मिल्क वगैरह देता है। फिर उधर से ना जैसे तैसे करके इधर वाले पार्क में लेके आई, बोल रही थी उसके पापा घर में आया है, चाबी हमारे पास है, चलो चलो, नहीं आ रहा था, इतना रोया, फिर घर का चाबी देके उसको लेके आई। और ये लड़की देखो उधर से पूरा हाथ में चाबी मतलब लेके टाइट करके पकड़ के आई है, आके खुद से मतलब ताला खोल देंगे, इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इस पे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या कर रही हूँ मैं, सो ये मैं कल के लिए प्लास्टिक छोड़ रही हूँ, क्योंकि दूध वाले भैया ने बोला कि भैया भाभी आपके घर में बैग नहीं है, मैं बोली बैग है, आप लोगों ने फाड़ दिया, तो एक नया बैग रखा उधर, क्योंकि सुबह आके उधर ही मिल्क रख के जाता है, बेल मत बजाओ हमें डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो 8 बजे आता है, हर्षिता भी सोते रहता है, मैं भी सोते रहती हूँ। और इधर आलू भाजी बैंगन फ्राई, इससे ज़्यादा कुछ सब्जी है नहीं, थोड़ा सा बैंगन था तो उसमें भी आधा कीड़ा निकला, बोलते हैं ना जब छोटी किस्मत हर गल, लेकिन आपको पता है 9 बजने वाले हैं, हर्षिता जब उसके पापा नहीं रहता है ज़्यादा तंग नहीं करता है, मतलब ज़्यादा टीवी देखने की भी मतलब नहीं करता है। हुआ है अभी तक सिर्फ मैं रुक रही हूँ, पता नहीं क्या खाना बनाऊँ क्या नहीं, आलू भाजी मैंने बना के रखा है, बैंगन खाने के टाइम पे काट के दे दूँगी, हर्षिता खाना हो गया है, और इतना सर दर्द हो रहा है अभी तक नहीं आ रहा है, टेंशन दे रहा है, रास्ते में है बोल रहा था, मार्केट ला रहा है बोल रहा था कि कुछ फेस या कुछ लेके आएंगे, मुझे समझ में नहीं आता 9:30 बजे मैं क्या खाना बनाऊँ, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे एक बैंगन फ्राई से थोड़ा सा खाऊंगी तो मेरा हो जाएगा, उसके लिए आलू या बैंगन फ्राई मैंने इमरजेंसी के लिए कर दिया, अंडा है मैं रख दूँगी, इस तरह के ना मतलब क्या बोलूँ, नो रिएक्शन अभी हर्षिता, मतलब मुझे टीवी का पता नहीं क्या किया है, उसका ठीक करने के लिए दिया है, लेकिन वो तक मेरे पास एनर्जी नहीं है कि मैं ठीक करूँ, इतना नींद आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कब तक आएंगे ये बंदा, 9 बज चुका है भाई, 9:30 बजने वाला है सर, 9:10 हो गया है 9:10। ये बेटी की बाप कितने बजे मार्केट लेके आ गया, 10 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, मैं सिर्फ देख ही रही थी क्या कर रही है, फिश लेके आया, फिर आलू वगैरह लेके आया, अजीब है इंसान, तो किचन में लगे रहे भाई, मेरा काम नहीं है अभी इतने रात को, बेटी को खिलाना है खाना, अकर देखना चाहिए और हंसी देखो और अकर, मेरी आँखों से जलन हो रहा है, मतलब पानी निकल आ रहा था थोड़ी देर पहले से, अभी भी मतलब मैं पोस पास के आगे पानी वानी डाल के आ गई, पता नहीं यूट्यूब का चक्कर शायद ज़्यादा हो गया, मोबाइल वगैरह देख के लाइट फ्लैश लाइट वगैरह मुझे
स्किन पे देखने को भी डर लगता है। और अभी 11:30 बज चुका है, हर्षिता ने बोला मम्मी जाओ आप काम करो, मतलब मुझे उसको पता है मैं डेली रात को काम करती हूँ, तो आज उसने पहली बार अपने मुंह से बोला जाओ काम करो। मेरे बेटे बहुत समझदार बन गया है तो इसलिए उसको बोली मम्मा आप सो जाओ मैं इधर ही हूँ। फिर उसको सुलाया, उसको एक मतलब साइड वाले पिलो दे दिया, फिर मैं आके इधर मतलब खेती हूँ, क्योंकि डेली लाइट मतलब बहुत रात होता है, मैं दूसरा कोई मतलब फेसबुक वगैरह देखती रहती हूँ रात को ज़्यादातर टाइम करके टाइम पास के लिए, और मेरी आँखों पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है क्योंकि आज पूरा दिन का बहुत ही शेड्यूल हैट्रिक था, मैं आपको बोल भी नहीं सकती। और ये बंदा 10 बजे फिश लेके आया है, तो 10 बजे अगर कोई मार्केट लेके आएंगे तो उसको बर्तन धोना ही पड़ेगा रात को, और खुद से ही मतलब बना के खाना ही पड़ेगा, मुझसे तो नहीं होगा। 10 बजे पे बच्चे को खिलाओ या उसके लिए बनाओ, तो जो भी हुआ हुआ। कल थोड़ा सा लेट ड्यूटी जाएंगे, लेकिन अभी मुझे ना थोड़ा सा आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर मेरी आँखों को। और अभी मैं टैबलेट भी खाई हूँ, और टैबलेट खाने के बाद मेरी हालत बहुत ही मतलब वही डाउन हो जाता है, तो अभी तुरंत एक मैं किसी का ब्लॉग देख रही हूँ, देख नहीं रही हूँ, चीटिंग कर रही हूँ, मतलब लगा के कमेंट करके ऐसे ही मतलब ब्लॉग एडिटिंग कर रही हूँ, हो जाएगा ब्लॉग एडिटिंग करते 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 हो देख के मतलब आराम से हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं और एक ब्लॉग के साथ, आज के लिए इतना ही। फिलहाल हालत थोड़ा सा डाउन हो गया है, बैटरी डाउन हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते, तो जल्दी जल्दी एडिट कर रही हूँ। तो मिलते हैं और एक ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए जरूर। जो मेरे लिए न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो मेरे ओल्ड है फुल लोग लाप। मिलते हैं और एक ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी। ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।